न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क, यह है एमएनएस न्यूज़ टीवी। मैं हूँ आपके साथ खुशी। तो आइए देखते हैं कुछ खास खबर। पूर्व विधायक राजेंद्र जैन के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर एवं दिव्यांग जनों को सामग्री वितरण की गई। गोंदिया में राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता पूर्व विधायक राजेंद्र जैन के जन्मदिन के अवसर पर गोंदिया के भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और दिव्यांगजनों को व्हील चेयर वितरित की गई। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के करीबी सहयोगी कहे जाने वाले पूर्व विधायक राजेंद्र जैन के जन्मदिन के अवसर पर आज गोंदिया जिले में सामग्री वितरण एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही साथ राजेंद्र जैन के प्रशंसकों ने उन्हें बड़ी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बधाइयों का तांता लगा रहा और गोंदिया जिले के वर्तमान विधायक एवं पूर्व विधायक भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आज मैंने अपने जीवन के 63 वर्ष पूरे किया और मेरे जन्मदिन पर सदैव मुझे मेरे नेता माननीय प्रफुल्ल पटेल जी का आशीर्वाद प्राप्त है, वर्षा ताई का आशीर्वाद प्राप्त है और ये इतने सारे जो सभी पक्ष के सभी जो बंधु और उपस्थित है, बहनें उपस्थित है, ये इस बात का, इतनी बड़ी भीड़ इस बात का प्रतीक है कि सबका स्नेह और सबका प्रेम मेरे प्रति एक अलग तरीके का प्रेम है जो पार्टी पक्ष से हटकर है। सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में काम करते हुए आज हमारे मित्रों ने, हमारी जो प्रयास बहुउद्देशी संस्था है उसने जो ब्लड डोनेशन कैंप किया है जिसको आप देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन रक्तदान शिविर का कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो अपने आप में गोंदिया जिले के लिए एक बहुत बड़ी बात मायना रखता है। उसी तरह हमने व्हील चेयर जरूरतमंद जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है उनको भी हम लोगों ने व्हील चेयर दिया है। अलग अलग तिरोड़ा में, मजीदपुर में, गोरेगांव में, अलग अलग जगह कहीं पुस्तक वितरण, कहीं भोजन प्रसाद वितरण, अलग अलग मंदिरों में आज पूजा और इस तरह से कई सामाजिक कार्य, कई सब लोगों से मिलकर एक अच्छा कार्यक्रम हमने आयोजित किया है जिसके अंदर ये आप लोग भी आज उपस्थित हुए, उसके लिए मैं आपका भी बहुत अभिनंदन और आभार करता हूँ। और वास्तव में हमारे सभी वरिष्ठ नेता, अलग अलग अन्य अन्य पक्ष के, अन्य अन्य सामाजिक सेवा संस्थाओं के, अन्य अन्य व्यापारी संगठनों के सभी लोगों का इतना आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि निश्चित मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रेम और स्नेह मुझे जीवन में, सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ने का और आशीर्वाद मिलेगा। ये सब संभावनाओं के साथ आपकी उपस्थिति के लिए आपका आभार और धन्यवाद। ऐसे ही खबरें फिर लेकर आऊंगी इसी समय इसी जगह, तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ये है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।